तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अशर सरदार एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर ब्यूटीफुल डे। जी जाओ विद अशर सरदार ऐशा की बातें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो फाइनली मेरी खुशी का इजहार आप लोग देख सकते हैं। फाइनली मैंने फिर से बोला मेरी अम्मी आ गई है। इकट्ठे बोलेंगे मेरी अम्मी, दोबारा से यार, मेरी अम्मी आ गई है और अब हमारी होगी ईद की शॉपिंग। आज नहीं, पीछे कितने दिन रह गए हैं? 2000 दिन। आज है 24वां रोज है, 23वां। तो थप्पड़ मारने, 24वां रोज है आज की, हो गया 23वां रोज है। पहले 24वां रोज है बाजी, 23वां रोज, 24वां रोज है, 24वां रोज। आज की दिन पहले जुमरात, डेट की है अपना 3 मार्च है, 4 मार्च है। लाओ जरा, आज है 24वां रोजा और शॉपिंग हम आज नहीं करेंगे। पर आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज एक तो हमारे घर में इफ्तार पार्टी है, हमारे नहीं बाजी के घर में, फिर से उसके क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं और मुझे मुफ्ते की दावत आई है। वो कहती है तुम भी आ जाना, मैंने कहा ओके, कहती है तुम्हारा रोजा, मैंने कहा हाँ, कहती आ जाना आ जाना, मैंने कहा ओके डियर सिस्टर। तो आज मैं उसके घर जाऊँगी, उसके घर उसके क्लिक्स आ रहे हैं तो उनकी इफ्तार पार्टी है, तो देखेंगे आज वो मेन्यू में क्या बना रही है। वो मेन्यू में वो बनाएगी जो उनको पसंद है, ठीक है। उसने उनसे पूछ कर मेन्यू कस्टर्ड, मुझे मेरा भी बड़ा शौक है कस्टर्ड का, बनाओगे? आज नहीं, पहले शॉपिंग करके अवेलेबल है तो मेन्यू में सब कुछ वो उनकी मर्जी का बना रही है, जिन्होंने आना है कि वो, उन्होंने कहा था कि अफ्तारी में हम खा के थक गए हैं, तो अब वो पकाएगी जो उनको पसंद है। तो अब मैं ऊपर जाऊंगी, आपको अपनी मम्मी भी दिखाऊंगी कि फाइनली वो आ गई। मैं इतनी खुश हूँ कि सारी शॉपिंग आ गई है, अल्लाह सारा बैंक आ गया। खैर तो चलते हैं ऊपर और यहीं से करते हैं डेली ब्लॉग स्टार्ट। और डेली ब्लॉग में जो जो होगा मेरे घर में, जो जो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो आज मैं पार्लर बोकर भी मारी है, तो डस्टिंग भी की है, हूँ मुकरे ये देखिए गंदी झाड़ू गंदी है। लेकिन तुमने बहुत गंदी लगाई है, देखो वहाँ सारा कचरा पड़ा हुआ है। और तुम्हारी वजह से मैं टाइल नहीं लगवा सकी क्योंकि मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई थी, मैं टाइल नहीं लगवा मेरी मेरी वजह से। उस पहले मैं पढ़ांगी नमाज क्योंकि सुरखी बड़े बाबू में लाया। तो एक फ्रेश लाइट ऑन कर लेनी, तुम लेना एक फ्रेश लुक में स्टार्ट करा। फाइनली लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप तो मुझे कहते आशा 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 क्या कह रहे थे? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सलाह, बाहर आयो माँ सदके। वालेकुम अस्सलाम माँ सदके। तो अब मैं आ गई हूँ घर, जाल तुरे तो कपड़े चेंज कर लिए फिर से, वाह हाँ अच्छा। तो दावत है अच्छा, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि क्या बन रहा है मेन्यू में। कहा तो बड़ी शांति है, ये वाला कार इतनी शांति क्यों है? मेरा भी प्यार गल कर, मेरा प्यार गल गुल कोई नहीं कर सी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਲੀ ਦਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋਮ ਆਪੇ ਲੈ ਦੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀ ਬੈ ਕੇ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾ ਕਰੋ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੋਂਗਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਮੋਂਗਰੀ ਬਹਾਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਮੋਂਗਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ बेचने वाले हैं, आशा बेचने वाली है, यही लगा लेंगे। सो रही है सीरियस? हां सो रही है, वास्ते का दावत की प्रिया सब सो रही है। चल चल भी लेने आ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कैंसिल है बाजी है।
आपके चक्कर में बाजी ने मेरी भी वो की थी उतारी वो इतनी फिर अच्छी उच्ची कोई नहीं मेरी बाजी ओदे बन बन मेरी करानी हूं नहीं करानी होनी वाह सुना कर तेरी हर रोज हुंदी है मजाक कर रही हूं रोज होती है मेरी नहीं नहीं मजाक कर रही हूं मेरी रोज ही होती है तो ये निकल ले बाजी से बात ऐ तो झूला मैं वैसे बाजी तो चलते हैं फिर अब डेट हो गया फिर दे आई गया तो चलो फिर चलिए ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा टाटा अपने घर चली इज्जत ना खीरे भी लेने पकड़ो आ जाओ बचपन से लेके अब तक मैं जब भी अपनी अम्मी के साथ सब्जी लेने आई हूँ ना तो एक मकसद होता मेरा चुगलियाँ जो जो घर हो चुके होंगे जो होना होंगे सारा कुछ अपनी माँ में चुगली लानी होंगी है एक जाती है मैं सोचा दूर सब्जी लेने जावांगे तो चुगली लंबी होगी माँ तू तो गली तेन खर्ची सब्जी ली हूँ चुगली भी निकली होनी चल कोई नहीं अद्धे रात हूँ इतनी चुगली फटाफट सुन लै घर जाते पहले चुगली सुन लैनी है बड़ी जोर दी आई हुई है मैंने बड़ी जोर चुगली आई सुन लै पहले मेरी चुगली है ठीक है तो ए दौरान दौरान चुगली मकानी है तो चुगली बड़ी वड्डी है ठीक है तो ऑफ कैमरे पहले अपनी माँ में चुगली कर ला है माँ सारी चुगलियाँ चल गई घर के गल ने मैं निके वे सारे नहीं शिकायत ला लगी तभी कहीं तो बस थक गए सब कुछ इतना खा खा के स्पाइसी खाना तो इसलिए अब ना पिछली बार हाँ कौन कह रहा है हाँ अजान वाकई थोड़ी पीछे हो ये रही मेरी स्ट्रॉबेरी ये मेरा काला नमक और इसमें बैठ के हम खाएंगे साथ में हाथ पड़ाएगी बच्चों को तो नाल ही इंजॉय करांगे ए रोटी यानी कि बच्ची दी पई दी सी इस टाइम कुछ भी नहीं स्ट्रॉबेरी सी मैं खा ली पर भुख का कोई हाल नहीं हले भुख कहनी मैं आइए और ये मेरी अम्मा ने पकाए हैं आलू मोंगरे और साथ मटर चलते हैं अपनी चारपाई पे और ये खा के फिर करेंगे स्कूल से ब्लॉग का एंड और उम्मीद है कि आपको मेरे ब्लॉग जो पसंद आ रहे हैं पसंद आए तो पसंद कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉग तो अब आते रहेंगे और मेरी हालत को इग्नोर मारी मैंने बहुत शदीद भुख लगी है वालदा सालन कैसा पकया ही है वालदा दसे ना वालदा ने मेरी वालदा बहुत आवाजार है चलो खा के देखने दिल करता है 3 लाख रुपये का बहुत मजा पका बाकी मैं लेट गई थी सोने के लिए और मुझे याद है मैंने तो व्लॉग का एंड नहीं किया और खैर उम्मीद है कि आपको आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया और मेरी डेली रूटीन क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी मेरे घर में होगा जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा खुशी कभी गम सारा कुछ दिखाएंगे आपको यूट्यूब फैमिली खैर तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो पसंद आएगा कि सारी सो जो है सिवाय महत की महत जिंदा है
हाँ जिंदा है, ऊंची बोल। पीछे आप लोगों को बात की आवाज़ है, वो भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर यही पे करते हैं ब्लॉग का एंड, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग जो है वो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही तो पसंद कर ले। और रात का टाइम हो गया है, 11 बजने वाले हैं। ये हमारा घर, हमारी घड़ी जो है ना आगे है, हमेशा से बचपन से लेकर अब तक हमारी घड़ी 10 से 15 मिनट हमेशा आगे ही रहती है। खैर अल्लाह की भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह मेरी भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह हर बेटी के नसीबे चेक करे, अल्लाह मेरे नसीबे चेक करे, सब माँ बेटी के नसीबे चेक करे, और स्पेशली अल्लाह आपके माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी लंबी ताफर में, अल्लाह मेरे माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी लंबी ताफर में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।